हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये ब्यूटीफुल फ्लावर सनफ्लावर है। सनफ्लावर में दो वैरायटीज आती हैं। एक आती है जिसमें बहुत बड़े फूल होते हैं और वो काफ़ी टॉल होती है, और इसमें छोटे थोड़े फ्लावर्स होते हैं, सिमिलर शेप सिमिलर कलर, मगर साइज इनका छोटा होता है। और ये भी केयर उनकी सिमिलर ही है, मगर ये घर में ग्रो करना बहुत इजी होता है। इनफैक्ट ये कंटेनर्स में भी आप ग्रो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी बालकनी गार्डन में खूब सारी सनलाइट आती हो। ये सन लविंग प्लांट है, सनफ्लावर नाम ही इसका यही है। और जो बड़ी बड़ी वैरायटी होती है, टॉल वैरायटी जो होती है, वो उसमें प्लांट भी बहुत टॉल हो जाता है, लीव्स भी उसकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और उसमें फ्लावर्स भी बहुत बड़े होते हैं। उनका डायमीटर कई बार 9 इंच का तो होता ही होता है। तो ये वाला प्लांट घर के लिए बहुत ही खूबसूरत है, और एक बार आप अपने घर में लेके आएंगे, यकीन जानिए ये अपने आप आपके गार्डन में दोबारा होता रहेगा। इसमें ये ऐसे सीड्स निकलते हैं फ्लावरिंग के बाद में, ये देखिए ये इसके सीड्स हैं। इन सीड्स को आप हार्वेस्ट करके भी रख सकते हैं, या फिर अगर ज़मीन पे गिर गए या गमले में गिर गए तो अपने आप जब सीजन आएगा तो इनमें से अपने आप नए प्लांट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। ये सारे सीड्स बन चुके हैं और पक भी चुके हैं, क्योंकि ये काफ़ी डार्क कलर का हो चुका है। देखिए ये वाला, अब इसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, और इसमें जितने भी ऐसे निकलेंगे ये सारे इसके अलग अलग सीड्स होंगे। तो ये बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये गर्मियों भर रोज इसमें से फ्लावरिंग होती रहेगी। और इतना ब्राइट कलर है कि घर में इनका कलर देख के दिल खुश हो जाता है एकदम। तो आपके कंटेनर में अगर कुछ और प्लांट लगाए उसके साथ भी आप ये प्लांट लगा सकते हैं, इतना इजीली ये ग्रो करता है। इसमें केयर देखते हैं, बहुत केयर सिंपल है इसकी। इसमें सबसे पहले देखते हैं, पॉट में लगाएंगे तो 2 या 3 प्लांट लगा सकते हैं 8 या 9 इंच के गमले में। और इसके लिए पॉटिंग सॉइल लेंगे, वेल ड्रेनिंग, कई ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। मैं जनरली ट्राई करती हूँ 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट गार्डन सॉइल और 1 पार्ट काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट, साथ में नीम खली, बोन मील और फंगीसाइड। इससे बहुत वेल ड्रेनिंग सॉइल बनती है और पॉट में पानी रुकता नहीं है। और ये हाई फीडर नहीं होता है, आप इसको लगा सकते हैं प्लांट को बीज से भी फरवरी मार्च में, और ये प्लांट फ्लावरिंग करता रहेगा रेगुलरली जुलाई अगस्त सितंबर तक भी। और उसके बाद आप सीड्स इसकी हार्वेस्ट करके रख सकते हैं, और जब अगले साल जब मौसम आएगा थोड़ा वार्मर डेज का, तब आप इनको दोबारा लगा भी सकते हैं। और अगर ज़मीन पे आपने ऐसे ही गिरा दिया, तो अगर आपका गार्डन ज़मीन पे है तो अपने आप ही अगले साल प्लांट निकल आएगा। अब इसमें फर्टिलाइज़र अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कंटेनर में सॉइल है फर्टिलाइज़र के साथ, वो इनफ हो जाता है। वाटरिंग तभी करें जब टॉप लेयर ड्राई हो जाए, जब तक ड्राई ना हो तब तक इसमें वाटरिंग एकदम भी ना करें। इन्फेस्टेशन इनमें कम होती है, मगर कई बार मिली बग ज़रूर अटैक करते हैं, उसके लिए आप इसमें इमीडा क्लोप्रेट अगर आपके पास है वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको सोप सॉल्यूशन से भी वॉश आउट कर सकते हैं। बेकिंग सोडा क्लीन करता है लीव्स को, लीव्स एकदम क्लीन हो जाती हैं, और फोटोसिंथेसिस प्लांट बहुत अच्छा कर पाता है, और ये फ्लावरिंग भी इंड्यूस करता है। आप ये गार्डन में ज़रूर लगाइए, गर्मियों में ये रंग खूब सुंदर लगता है। और इसकी लोकेशन रखिए जहाँ आपके गार्डन में मैक्सिमम सनलाइट आती है। और जो बड़े वाले सनफ्लावर होते हैं वो तो अपने आप रोटेट करते हैं जहाँ जहाँ सन मूव करता है, और ज़मीन पे लगे हुए ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, और ये भी सन फेसिंग हो जाते हैं। देखिए सबका मुंह इधर ही की तरफ है, क्योंकि सनलाइट इधर से ही मिलती है। तो लोकेशन इनको फुल सन में रखिए और ये खूब फ्लावरिंग करते रहेंगे, सीड्स बनेंगे, आप हार्वेस्ट करके इनको रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।
अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।